देखिए दो तीन चीजें बड़ी साफ है। महागठबंधन का नेता कौन होगा ये महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय होगा और राष्ट्रीय जनता दल के कुछ तानाशाह नेताओं की वजह से अभी तक महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, जिससे ये बताना मुश्किल है कि हमारा नेता कौन होगा। और इसी बात की चिंता महागठबंधन के तमाम इलाही पार्टियों को है कि विधानसभा चुनाव सर पर है और अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये पहल नहीं किया जा रहा है कि महागठबंधन का नेता कौन होगा। इससे कहीं ना कहीं से जिस तरीके से हमारी बुरी हार हुई थी लोकसभा चुनाव में, वैसी हार विधानसभा चुनाव में भी हो सकती है। इसलिए हमारा स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल को पहल करनी चाहिए और जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके विधानसभा चुनाव में हमारा नेता कौन होगा इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। अगर लेट होता है तो ये महागठबंधन के लिए घातक फैसला होगा। तेजस्वी यादव जी का जहां तक सवाल है, राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव जी को अपना नेता बताया है। तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन ने नेता होने का मुहर